ऑल सेट फॉर द यात्रा। वैसे अगर तुम यहाँ सब घूमने आते हो तो भाई पैर से जाओ, या तो ज्यादा ही अमीरी आ रही है तो हेलीकॉप्टर कर लो भाई। तो लग रही है, चल रहा हूँ। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। देर के लिए रेस्ट ले रहा हूँ। पूरा स्वेटशर्ट जो है पूरा गीला हो गया। इट्स टफ। पैर जवाब दे रहे। ग्लेशियर को देख के एक नई एनर्जी सी आ गई, लिटरली मेरे को थकावट सारी चली गई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज डे टू ओवर हेयर इन सीतापुर। सो लास्ट नाइट हम यहीं पर ही सोए थे और आज केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलना है। और टाइम अराउंड हो रहा है 3:33। बाहर का दिखाता हूँ मैं, बारिश हो रही है सुबह सुबह ही। फॉर्चुनेटली कल रात को ही मैंने, जब हम हरिद्वार से निकल रहे थे तब मैंने रेनकोट ले लिया था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम रेनकोट पहन के वी स्टिल कैरी ऑन विद अवर यात्रा। इतना पहन लिया, एक लेयरिंग, दो इसके नीचे भी पहन लिया, अब मेरे को एक और लेयर रेनकोट का पहनना पड़ेगा। तो दिस इज़ दैट रेनकोट जो मेरे को मैंने हरिद्वार से लिया था 50 रुपीज़ का, और यहाँ पर इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। तो आई न्यू दैट कि यहाँ पर जाके महंगा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया था। एंड बाहर आके देखा तो अभी बारिश रुक गई, तो इसका काम अभी बाद में है, मगर ज़रूर ये काम बहुत आएगा क्योंकि बारिश तो बता रखा है कि होने ही वाली है और यहाँ पर तो होती रहती है। ऑल सेट फॉर द यात्रा। फिफ्टी का है ना, सो के तीन मेरे को नहीं चाहिए। वेल वी डोंट नीड दैट। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि बिल्कुल ज़्यादा हैसल करे बिना मैं इजीली क्लाइंब कर जाऊँगा, तो आई डोंट नीड दैट स्टिक। देखते हैं, क्या पता एक्सट्रीम हो थोड़ा, बट आई एम रेडी फॉर इट। मेरे को ये पसंद है चैलेंज। सॉक्स के ऊपर हाँ सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश होती है, कोई बात नहीं। हाँ। वहाँ पे क्या है ना, ऊपर चढ़ाई करोगे ना, हाँ। तो ऊपर से पानी आता रहता है। अच्छा। हाँ। और ये तो फट जाता है। हाँ। यह है कि अंदर आपके पानी नहीं जाएगा और ना खराब होएंगे अंदर से पैर जो है ना, वैसे नहीं होएंगे, फटेंगे नहीं। जो आपके ऊपर पहनेंगे फिर जूता पहनने बोल रहे हैं, पैर फटेंगे नहीं। अब काफी कम लोड हो गया, मेन ये चीज़ रेनकोट और एक अपर था जो ले लिया है। एंड लाइन करीब वहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड स्टिल गोइंग ऑन टिल द लास्ट, और भी पता नहीं कितना दूर होगा। सो इट इज फाइनली हैपनिंग गाइस, हम चले केदारनाथ। और दोबारा लाइट, अभी एक लाइन खत्म करके आए थे। सी इफ यू नोटिस, ये जो पानी यहाँ से जा रहा है ये इसका कलर थोड़ा ब्लूइश है, और वो जो ऊपर से आ रहा है उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश है। तो मैं पता नहीं इसका रीज़न क्या है, बट बहुत सुंदर लग रहा है ये दोनों जब यहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट में मिल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड ठीक इसके बगल में ये लाइन जा रही है जो टैक्सी के लिए है, गौरीकुंड जाने के लिए। गौरीकुंड से केदारनाथ का यात्रा शुरू होता है। गौरीकुंड में एक्चुअली एक नहाने की भी जगह है जहाँ लोग स्नान करके, और वो पानी जो होता है गर्म होता है, एक तरीके से प्योर होके दर्शन करने निकलेंगे। ब्लूइश वाला पानी यहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर से चिपक के आ रहा है, मतलब पिघल के आ रहा है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? नहीं आया सर। हमने अपना सफ़र शुरू करा दिल्ली से, दिल्ली से हम हरिद्वार गए, हरिद्वार से हमने सोनपुर आके लिए बस पकड़ा, नेक्स्ट डे उधर से हम गौरीकुंड निकलते हैं टैक्सी में। गौरीकुंड से हमारी असली जर्नी स्टार्ट होती है, यानी कि यात्रा। अब वहाँ से हम कब और कैसे केदारनाथ पहुँचेंगे, वही है हमारी कहानी। वहाँ से निकल के यहाँ पर गौरीकुंड के लिए हमें गाड़ी मिलती है, और हम ढूँढ रहे हैं जिसमें हम सारे एक ही गाड़ी में आ जाए। अरे हाँ
माय गॉड। ही इज़ रियली गुड और समोसा भी बहुत अच्छा था यहाँ पर, बस 50 के दो। सो ये भी एक तरीके का कैरी करने वाला ही है, बस इसको चार बंदे उठाते हैं, बीच में बैठ जाएंगे एंड चार बंदे उठाते हैं इसे। सही, ये सब वही है। सो ये है वो कुंड जिसमें नहाते हैं, देख इस तरफ गर्म पानी है और उस तरफ पता नहीं। स्मेल आई है यहाँ पर, बट आई हैव वन क्वेश्चन, ये पानी गर्म कैसे है? फिर ये पानी गर्म नेचुरली है या कर रहा है इन्होंने, आर्टिफिशियली करा है? तो कोई नहाया नहीं हमारे उधर, क्योंकि पानी जो था काफ़ी गंदा लग रहा था यार, और स्मेल भी आ रही है, चारों तरफ से स्मेल आ रही थी, तो कोई हम नहाए नहीं। मैंने सोचा था कि मैं नहाऊँगा, जब मैंने सुना कि गर्म पानी है तो आई थॉट कि कुछ बड़ा सा जगह होगा, बट वो छोटा सा एरिया था, पानी गंदा था काफ़ी, सो किसी ने नहाया नहीं। प्लस यहाँ पर लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि घोड़ा 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 लेटा है कर रहे हैं, आई फील इट्स सो मच स्टूपिड ना, कि एक जगह तुम आए हो घूमने और तुम किसी एनिमल को अब्यूज़ कर रहे हो जगह को घूमने के लिए। आई फील सिक ऑफ दिस सीरियसली। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा था जिसमें एक बंदा बता रहा था कि यहाँ पर केदारनाथ में घोड़े पे जो लोग बैठ के जाते हैं उसके बाद घोड़ों की क्या हालत होती है, उनको काफ़ी पेन से गुजरना पड़ता है। ऑफकोर्स स्टीप है, हाई है, तो उसको बहुत पेन होता होगा। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर तुम यहाँ सब घूमने आते हो तो इफ़ यू कैन गो बाय पैर से जाओ, या तो ज़्यादा ही अमीरी आ रही है तो हेलीकॉप्टर कर लो भाई, प्लीज़ डोंट अब्यूज़ द एनिमल्स। किसी तरीके से नहा ही लिया, काफ़ी ठंडा था पानी, मेरे को लगा इजीली मैं नहा लूँगा, बट काफ़ी ठंडा था पानी, नहा लिया, काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो गर्म पानी में तो नहा नहीं सकता था क्योंकि वो पानी काफ़ी गंदा था, यहाँ पर नहा लिया। चलो दोस्त चलना, इतनी दिक्कत नहीं लग रही जितना ये स्मेल की लग रही है, ये पूरा टॉयलेट और पानी मिक्स हो रखा है। शिट, हाँ शिट ही है। तो इस सब में सारे घोड़े ही हैं इसके अंदर, घोड़े ही हैं। घोड़े का कितना होता है? 3000। 3000 ऊपर जाने का? जाना है नहीं? See, this is what I'm talking about. देखो शिवर कर रहा है उसका लेग लिटरली। और इसके बाद का सफर हमारा शुरू होता है एक ड्रीमी वर्ल्ड की तरह, नेचर्स ब्यूटी। Intense. रुक जा। ओ भाई ब्लॉग में आया, देख तू वीडियो बना रही है। बनाए 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 बनाए। हाँ भाई। यार राजस्थान से हैं यार इंटरनेट। कहाँ से हो आप? दिल्ली। ब्लॉगर हो? हाँ करता हूँ। क्या चैनल का? वॉकिंग पॉल। और आप? गंगानगर राजस्थान से। वेरी गुड यार। पहली बार है?
हाँ सेम था, पहली बार है। हाँ पहली बार ही खेल ले हो? हाँ नहीं नहीं दोस्त है पीछे रह गए। माय गॉड कितने का भैया? 400 रुपये। 400 रुपये सुन रहा भाई साहब? 50 रुपये। जस्ट नाउ पता करा यहाँ से कुल और 19.5 किलोमीटर्स है, मतलब अभी तो कुछ चढ़ाई रही है तो यार। तो मैंने सोचा है कि अब रेस्ट सोच समझ के और थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो लेट्स गो। थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहा हूँ। पूरा स्वेटशर्ट जो है पूरा गीला हो गया। मेरे को लगा कि काफ़ी ठंड होगी, ठंड है ऑब्वियसली, बट जस्ट बिकॉज हम चढ़ रहे हैं ना तो पसीना भी काफ़ी आ रहा है। मेरे को ये पता होता तो आइडिया होता तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में आ जाता। इट्स टफ, काफ़ी टफ है। मैंने काफ़ी अंडर एस्टिमेट करा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि ज़्यादा हैसल करे बिना मैं ईजिली क्लाइंब कर जाऊँगा। अराउंड 8 to 10 किलोमीटर और है। हमने यात्रा स्टार्ट करी थी कुछ 5:30। कंटिन्यूस तो नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, अभी मैंने कंटिन्यूस स्टार्ट करा है। मेरे सारे दोस्त पीछे हो गए, मैं अभी अकेला ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ। मेरा गोल है कि 12 to 1 के बीच में पहुँच जाएँ तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं, मैं ब्रेक ज़्यादा लिए बिना जा रहा हूँ। 12 to 1 के बीच में पहुंच गए तो बहुत सही रहेगा। मैंने अपने लिए गोल सेट कर रखा था तो बहुत खुश हो जाऊंगा अगर मैं पहुंचा तो। तो टाइम हो रहा है 11:30 एंड डेफिनेटली हम 12:01 तक पहुंच नहीं सकते, बिकॉज सी ऐसे ऐसे जैसे जाके वहाँ से ऊपर चढ़ना है। ओहो, डेफिनेटली इससे ज़्यादा समय लेने वाला है, प्रोबेबली शाम हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस पेस में मैं चल रहा हूँ पैर भारी हो चुके हैं। इवनिंग तक ही पहुँचूँगा 100%। तो अराउंड 20 मिनट से कुछ मैंने यहाँ बैठ के रेस्ट ले लिया। अब डायरेक्ट कोशिश यही रहेगी कि बिना रुके एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे एंड देखते हैं मैं कितना इसमें सक्सेसफुल हो पाता हूँ। फाइनली द प्लेस जहाँ मैंने सोचा था मेरे को पहुँचना है, बट जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं, काफ़ी रेस्ट ले लेके पहुँचा। आई वॉज सिटिंग राइट देयर, देखो यहाँ पर बैठा हुआ था मैं, तब मैंने ये बोला था, और वहाँ से इतना चढ़ के ऊपर आ गए एंड यहाँ से स्टिल 8.5 किलोमीटर्स है। पैर जवाब दे। बस एक स्टूपिडिटी ये हो गई, मैं अपने फ्रेंड्सों को पीछे छोड़ दिया। मेरे पे
कैश कम था, फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन है भी बट नेट नहीं चल रहा तो पेमेंट कैसे होएगा, कैश ख़त्म हो गया। अब होपिंग कि नेट किसी जगह पे चले तो मैं कुछ लेके खाऊं, कुछ शुगर वुगर जाएगा तभी यार एनर्जी आएगी। अभी तक तो सिर्फ पानी पे गुजारा हो रहा है और दो नींबू पानी के जूस पे। एज आई टोल्ड अर्लियर, ये घोड़े पे जो होके जा रहे हैं, घोड़ों के साथ जो अब्यूज़ हो रहा है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऑनेस्टली पसंद नहीं आया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा नहीं बोल रहा मैं, बट मैं थोड़ा सोच रहा था कि अगर ये घोड़े नहीं लेंगे तो हम इतने सारे घोड़े जो रखे हुए हैं उनका काम कैसे चलेगा। तो एक्चुअली इट्स अ साइकिल, पता नहीं किसकी तरफ बोलूँ क्या बोलूँ, एनिमल अब्यूज़ एक्चुअली, वो एनिमल को भी तो वही लोग पाल रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं। मे बी इट्स अ बॉन्ड बिटवीन देम कि एनिमल उनको सर्व कर रहा है, और मे बी एनिमल भी अपने ओनर के लिए खुश होकर कर रहा हो, क्या पता। मैं बस सोच रहा था ऐसे ही, फालतू का दिमाग कुछ सोचने के लिए नहीं है ना, तो आई थॉट कि सब एक साइकिल ही है यार। बट हाँ, थोड़ा हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल को कैसे हम ज़्यादा अब्यूज़ ना करें। आई डोंट नो, तुम बताओ कि क्या सही है। इसके बाद जितना मैं मंजिल के करीब जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मंजिल उतना ही दूर होते जा रही है, बट आई केप्ट ऑन मूविंग एंड वहाँ के नज़ारे देखते देखते बहुत अच्छा टाइम गया। ये प्रिटी मच काफ़ी कुछ क्लियर कर देता होगा कि मैं काफ़ी ऊपर आ गया, एंड अगर हाफ एन आवर का और है अगर मैं कंसिस्टेंटली चला तो, बट ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं यहाँ पर बैठ गया यार। लिटरली बहुत सुंदर जगह लग रही है मुझे, ये बहुत पीस ऑफ माइंड में हूँ, वो कहते हैं ना सेरेनिटी, उस वाले फेस में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ढलान देख के तो इतनी खुशी हो गई, मगर बाद में सोच रहा था कि आते वक्त हमेशा चढ़ना भी होगा। और टाइम हो रहा है अभी 3:57, टारगेट के हिसाब से बहुत लेट हो गया। बस ये चढ़ के ऊपर से उसके उस तरफ का व्यू जो है ना, गेस करो क्या होगा, आइस माउंटेन का जो व्यू पॉइंट है वो उधर से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। फाइनली इस जगह में जाके नेट मिल रहा है मेरे को, और अब मैं जाके पूरे दिन में अब जाके मैं खाने वाला हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्नैक्स वगैरह खाएंगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर इसको पूरा चढ़ के ख़त्म करते हैं यार। मैं तंग आ गया, मैं सुबह से कब से 5:30 से चढ़े जा रहे हैं, हद है यार, तो अब ख़त्म करेंगे इसे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट पहुँच गए, कुछ 3 किलोमीटर्स होगा, एंड ग्लेशियर्स आइस, अब मैं इनको छू के देखने वाला हूँ, लेट्स गो। वो फ्रीजिंग ब्रीज आई यार, ब्रीज आ रही है ना इसकी हवा से, बहुत फ्रीजिंग है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे, सारी थकावट चले गई। मैंने काफ़ी सारी कंडीशंस, काफ़ी सारे इन्वायरमेंट देख लिए, उनमें से दो जो नहीं देखा था, एक था आइस का और डेजर्ट। डेजर्ट अभी तक नहीं देखा, बट आइस यहाँ पर कवर हो गया। माय गॉड, ये रास्ता। ये ग्लेशियर को देख के एक नई एनर्जी सी आ गई, लिटरली मेरे को थकावट सारी चली गई, वर्थ लगा ना, क्योंकि इतना टफ मतलब इतनी मेहनत करके ऊपर आने के बाद अगर ऐसा कुछ देख लो तो तुम्हें लगता है कि सेटिस्फाइंग था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, इसलिए मेरे को एनर्जी काफ़ी वापस आ गई। सो बट मेंटली चैलेंजिंग बहुत था ये सफ़र, बहुत चैलेंजिंग था, एक एक मोमेंट में ऐसा लग रहा था रुक के रेस्ट ले ले, रुक के रेस्ट ले ले, जो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने जैसा था।
फिर एक मोमेंट आया जब मैंने क्या कहते हैं हेडसेट डाला, पता नहीं अचानक से एक एनर्जी आ गई, गाना सुनते मैं ठक 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 काफ़ी जगह कवर कर दिया हेडसेट पहन के। उसके बाद हाँ बन्ना हारना है ना बेस कर दिया, मैं उनकी बाकियों के लिए वेट कर रहा था, बट रोशनी चले जाएगी तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं जल्दी से केदारनाथ पहुँचना चाहता हूँ ताकि रोशनी में मैं रिकॉर्ड कर सकूँ वहाँ पर क्या है। दिस इज़ द बिगेस्ट बाय सो फार अभी तक का सबसे बड़ा। मैं अब इन लोगों का वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो डॉर्मेट्री बुक करा है उसका उसके बारे में जो भी कौन सा कितना नंबर है ये सब मेरे दोस्त को बताया, तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं। ये देखो क्या देखा, अ होल माउंटेन ऑफ ग्लेशियर, वो देखो ये पूरा माउंटेन ग्लेशियर है एंड ये पूरा नहीं, ये बीच में से काला काला माउंटेन है बट ऊपर सारा ग्लेशियर है। ऊपर ये कौन जा रहा है, कोई जा रहा है ऊपर, मतलब जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं लोग जा रहे हैं। हे भगवान, मैं सच्ची में ड्रेन हो गया यार, मैं वो बिलीव नहीं हो रहा मैं इतना ड्रेन क्यों हो गया, डेफिनेटली नींद की वजह से, खाना भी नहीं, नींद स्लीप प्रॉपर नहीं होती ना तो कुछ नहीं हो पाता, स्ट्रेस हार्मोन सारे इतने रिलीज हो जाते हैं कि ब्रेन पर इफेक्ट करने लगता है। Thank you.